अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। आज जैसे ही मैंने अपना मोबाइल उठा करके यूट्यूब ओपन किया तो मेरी नज़र एक बहुत अहम वीडियो पर पड़ी, और आप हजरात जानते ही हैं यूपी के बहराइच ज़िले में जो हिंसा हुई और उसमें बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए, परेशान हुए, लाखों का नुकसान हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरी जब है ना नज़र एक वीडियो पर पड़ी, मोस्ट सीनियर वकील और बहुत पढ़े लिखे जानकार, जब उनकी बातें मैंने सुनी तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, और मैंने सोचा कि आज भी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान में हक बोलने वाले, सच बोलने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है, है ना, बल्कि हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी हक का साथ देते हैं, सच का साथ देते हैं। तो सच सच होता है चाहे जो बोले। जब मैंने ये वीडियो सुनी तो मुझे लगा कि आपको भी इसे सुनाना चाहिए, क्योंकि वकील साहब की बातें ऐसी हैं दिल में उतरने वाली हैं। आप हजरात भी वकील साहब का ये इंटरव्यू, ये बयान ज़रूर सुन लीजिए जो बहराइच पर उन्होंने दिया है। बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, क्रिमिनल मामलों के बेहद ही जानकार एमएल शर्मा जी। शर्मा जी आपका स्वागत है। जानकार, ये मामला अब जुडिशी हो गया है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, लोग फांसी की मांग कर रहे हैं। अच्छा। फांसी होगी या उम्र कैद? इनको कुछ भी नहीं होगा। अच्छा? इनको कोई सजा नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए इनको कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए। क्यों? कोई आदमी आपके घर में घुसता है बिना आपकी मर्जी के जबरदस्ती, तो उसको सजा होनी चाहिए जो जबरदस्ती आपके घर में घुसा है, न कि आपको। मतलब आप, बात तो सही है, कोई आपके घर में आ गया झगड़े के दौरान तो आप उसको गोली मारने को जायज ठहरा रहे हैं? कोई आपके घर में घुस करके दंगा फसाद करता है, झगड़ा करता है, आपके लगे हुए झंडे को उतारता है जबरदस्ती, RSS का झंडा लगा देता है वहां पर, नारेबाजी करता है, योगी आदित्यनाथ की जय बोलता है, आप उसको मना अच्छा। करते हो, वो आपसे गाली गलौज करता है, तो वो अपने परिवार के साथ साथ वहां पे तुम उसको उकसा रहे हो, तुम उसको उकसा रहे हो झगड़ा करने के लिए। अगर वो आदमी तो वो RSS का झंडा था, वो धार्मिक झंडा था, धार्मिक हरा झंडा उसने हटाया। धार्मिक झंडा कह सकते हो? तिरंगा, कोई तिरंगा झंडा था क्या वो देश का? आप बताइए मेरे को। तिरंगा नहीं था, धार्मिक झंडा था। धार्मिक या तेल लेने, कौन से रंग का झंडा था वो? आप एक तो सभ्यता की बात कीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई अगर आपके घर में जा रहा है, चला गया और झंडा उतार दिया, तो उसको गोली मार देनी चाहिए? आप किसी के घर में क्यों जाएंगे? झगड़े के दौरान गया ना, उस घर से पत्थर चले थे, उस घर से गालियां हुई थी, उन लोगों ने झगड़ा किया था, इसलिए वो जनरली जिस घर से झगड़ा होता है आदमी घुस जाता है। वो झगड़ा हुआ था, गालियां चली थी, तो वो जबरदस्ती घर के अंदर फिर क्यों घुसा जब वहां से झगड़ा हो रहा था? झगड़ा पत्थर आ रहे थे, झगड़ा पहले हुआ, पत्थर पहले माला कि पहले वो घुसा घर के अंदर और उसने झंडा बदला, दोनों में क्या चीज पहले हुई? पहले पत्थरबाजी हुई ना, पहले झगड़ा हुआ, पत्थरबाजी हुई तो फिर वो घर में क्यों घुसा? जब उसे मालूम है इस घर में घुसने पे पत्थरबाजी हो रही है, झगड़े पे पत्थरबाजी हो रही है, तो वो आदमी जबरदस्ती घर में क्यों घुसा? वो डरपोक नहीं था ना उसका, वो इसलिए अच्छा। युवा था, वो डर के भागा नहीं ना, डरपोक नहीं था, डर के भागा नहीं, बल्कि घर वालों को मारने के लिए, उनके गाली गलौज करके जबरदस्ती उनके घर में झंडा बदलने के लिए भी गलत था। कानून किसी घर में घुसने भी गलत था, झंडा हटाना वो सब गलत था, लेकिन किसी के गोली मार देना तो ठीक नहीं ना। वकील साहब, कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी इज्जत की सुरक्षा के लिए गोली मारने का अधिकार, वो सुरक्षा तो झंडा ही तो हटाया था, कोई ऐसा तो नहीं कुछ महिलाओं के साथ बदतमीजी की या गोली चलाई, उन तो निहत्ता था। अभी आपने बताया ना, उन्होंने काफी गाली गलौज हुई वहाँ पे, झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, वहाँ लोगों की भीड़ थी, और वो अकेला झंडा उतार रहा था, चढ़ करके उसने झंडा उतार के RSS का झंडा लगा दिया, तो उसको तो जान का, उसको उसके परिवार का खतरा हो गया, क्यों? पूरी भीड़ उनको मारने के लिए तैयार थी वहाँ पे, अगर वो मना करता है, वो मुस्लिम बहू ले लिया था वहाँ, तो इतने लोग थे। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि उन लोगों ने बदतमीजी की, मुस्लिम पक्ष ने, मुस्लिम बहुल एरिया में गए क्यों, किस लिए गए वहाँ? क्यों नहीं जा सकते, क्या पाकिस्तान का इलाका है, क्यों नहीं जाएंगे? मुस्लिम बहुल इलाके में आप गुनाह है, मुस्लिम बहुल इलाके में जाना गुनाह नहीं है, लेकिन जाके बदतमीजी करना गुनाह है। बदतमीजी तो कहीं भी करना गुनाह है, हाँ, लेकिन तो बदतमीजी उनका इलाके में आप न केवल बदतमीजी कर रहे हैं, मुस्लिम के घर में घुस रहे हैं, जबरदस्ती झंडा लगा रहे हैं, उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, उनके परिवार के लिए आतंक पैदा कर रहे हैं, उनके घर में लड़कियां हैं, पत्नी है, सब है, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं गोली मारेंगे? बदतमीजी किसके साथ किया? आप अपने आप ही बना रहे हैं। मैं अपने आप नहीं बना रहा हूँ, वहाँ पे आप थे? हम नहीं थे। मारने की नौबत कब आती है? गोली ना मारने की नौबत तब आती है जब घर की सुरक्षा और घर के परिवार की सदस्यों की सुरक्षा पर खतरा हो जाता है। बिल्कुल मैं ये कर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ उसने झंडा उतारा था। ये आप कहते हैं,
कि झंडा उतारा था, वो झंडा लगाने गया क्यों? उतारने का आपका आरोपियों से बात हुई कुछ? मेरी आरोपी से नहीं, तो क्या आप वहाँ दर्शी थे, प्रत्यक्षदर्शी? मेरे बात का जवाब दो। मैं बात का जवाब दे रहा हूं। मैंने भी मैं घुसा क्यों? एक दूसरे के घर में क्यों घुसा? एक मुस्लिम के घर में वो क्यों घुसा? किस अधिकार से घुसा? क्या गलत था वो? क्या वो उन परिवार झगड़े में, इस झगड़े के अंदर वो गया है? जो भी, हालांकि वो भी गलत है। उनके परिवार को जहां से पत्थर चल रहे थे, कहां से? घर से। अरे अभी कह रहे हो झगड़े के अंदर गया, अभी कह रहे हो झंडा लगाने गया भाई। चलो ठीक है, घर के अंदर से पत्थर चल रहे थे, झगड़ा हुआ तो वो घर में घुसा क्यों झंडा लगाने के लिए? पत्थर चल रहे थे तो गलत था, वो भी तरीका गलत। क्यों गया ये बताइए, तरीका की बात हो, क्यों गया घर के अंदर? उसके 10 लोग साथ में थे, घर वालों को थ्रेटनिंग हो गई थी, वो परिवार वालों के लिए खतरा हो गया था। लेडी है वहाँ पे साथ में, लड़की है, उसकी बहन है, उसकी सिस्टर है, उसकी माँ है, और भी लेडी थी, उनको खतरा हो गया। किसी को कुछ कहा थोड़ी? वो तो झंडे को बिना कहे वो थोड़ी गया, उन्होंने बुलाया था, लड्डू दे के आओ, लड्डू खाओ, जाओ जी झंडा ले आओ ना। उससे पहले झगड़ा हुआ, क्यों हुआ झगड़ा? गाली गोल क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि ये जो गीत चल रहे हैं वो गीत बंद कर दीजिए, उनके धार्मिक जो गीत चल रहे थे उनको। अरे सड़क तो उनकी नहीं है, तो सड़क पे वो क्यों आए? क्यों नहीं आएंगे? नहीं आ सकते। आप अपने घर की सड़क पर रोक सकते किसी को? हम सड़क पे नहीं रोक सकते, धार्मिक गीत नहीं बजा सकते। क्यों नहीं बजा सकते? नहीं, क्यों नहीं बजा सकते? नहीं, उसमें बंदे बहुल एरिया है, हम नहीं पसंद करते तो हम नहीं। आपके कहने से कानून नहीं बदल सकते? हमारे कहने से कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपको कौन डिस्टर्ब है? आप किसी के घर में जाकर के झगड़ा नहीं कर सकते, आप किसी के घर के सामने गाने नहीं बजा सकते उल्टे सीधे। अगर सामने वाले किसी के घर के सामने रास्ते पे कोई जा रहा है ना, जुलूस तो जनरल रास्ते, किसी के घर सलमानों का भी जाता है, ताजिया निकलता है उनका भी जाता है, दूसरे रास्तों से जाइए। क्यों जाए? ये पाकिस्तान है, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो जाएगा यहाँ पर, किस एरिया से जाएंगे इससे नहीं जाएंगे। बिल्कुल, अगर आप मुसलमान, आप ये चाहते हैं? जी हाँ बिल्कुल, हम ये चाहते हैं मुसलमानों के एरिया से आपका डिवीजन करवाना चाहते हैं आप, देश का देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काना चाहते हैं आप लोगों ने, तो करवाया इसीलिए करवाया कि आप मुसलमानों के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके ऊपर गलत लांछन लगाते हैं, हमको लगाते हैं जाकर के जबरदस्ती उनके घर में घुसते हैं, जबरदस्ती घर में झंडा फहराते हैं, जबरदस्ती गोली मारने की नौबत लाते हैं, जब ही तो गोली लगी लड़के को, नहीं तो क्यों लगती गोली? आप कहते हो उसके साथ मारपीट की तो गोली कब मारी? पहले गोली मारी हो, पहले मारपीट की? क्या किया? अभी मारी हो, उसके साथ मारपीट भी हुई, उसके नाखून भी खींचे गए, उसको 6 गोली भी लगी, उसके शरीर पे इंसे, तो वो भी ठीक है। गोली पहले मारी गई, कुछ भी मारो पहले का हुआ है, गोली पहले मारी गई कि नाखून पहले खींचे गए? पहले सर टॉर्चर किया, पहले टॉर्चर किया, किसने किया टॉर्चर? तो उसी जिनको पकड़ा गया है उन पर ही आरोप है। वो क्या वो सारे उसी घर में रहते थे? एक बाप के 2-3 लड़के हैं, उसी एक बाप के कितने लड़के हैं? दो लड़के जो अरेस्ट है जिनके पैर में गोली लगी है। और उस घर में कौन था? उसका बाप था, उसके 2 लड़के अरेस्ट हुए, एक 2 साथी थे। कौन था उनके? मुझे क्या पता कौन था, मैं घुसा था घर से तो मेरे भी गोल लगती। आप तो कह रहे घर में क्यों घुसे? सही बात, उस घर में उनकी लड़की भी थी, मुझे क्या पता, उसकी पत्नी भी थी। शर्म आनी चाहिए आपको अधूरी बात बोलने में, लेडी थी उस घर के अंदर में, ये जबरदस्ती घुसे थे, क्या करने, बदतमीजी करने घुसे? छत पे गया था, घर में नहीं घुसा था। क्यों? तो छत क्या घर से बाहर थी? छत क्या घर से घर के छत कहाँ पे थी? घर में तो छत थी, ऊपर छत घर के ऊपर होती है छत, घर के अंदर लेडीज थी, उनके जनाने खाने में नहीं घुसा था। तुम्हें क्या पता, तुम थे वहाँ पे? वीडियो तो है ना, तुम थे वहाँ पे, चीजें आ रही सामने, जो वीडियो आ रही, ना आप थे ना मैं था, लेकिन जो चीजें सामने आ रही ये तो आरोप। आपने ये बयान सुन लिया है ना वकील साहब का बयान, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें कही। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारे लोगों के काम आ सकती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।